नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे महिला टी20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम इंडिया ने अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 18 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले चार बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को अपने पहले मैच में हराकर भारत ने टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की थी। पर्थ के वाकर स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने बांग्लादेश को 18 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाए थे। भारत के लिए 16 साल की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 17 गेंदों पर ताबड़तोड़ 39 रनों की पारी खेली। शेफाली की पारी में 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे। शेफाली के अलावा जेमिमा रॉड्रिक्स ने भी 34 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनकी पारी में 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। इतना ही नहीं, वेदा कृष्णमूर्ति ने भी 4 चौकों की मदद से 11 गेंदों पर 20 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर एक बार फिर कुछ खास नहीं कर पाईं और सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गईं। बांग्लादेश के लिए सलमा खातून और पन्ना घोष ने 2-2 विकेट चटकाए। इनके अलावा किसी भी बांग्लादेशी गेंदबाज को कोई विकेट नहीं मिला। बांग्लादेश का इस टूर्नामेंट में यह पहला मैच था। टीम इंडिया के दिए 143 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने उसका डटकर सामना किया। हालांकि 20 ओवर में वो 8 विकेट के नुकसान पर 124 रन ही बना सकी। पूनम यादव ने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। टीम इंडिया द्वारा दिए गए 143 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम ने काफी शानदार खेल दिखाया, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरते रहने की वजह से टीम काफी दबाव में आ गई और रनों की गति पर अंकुश लग गया। बांग्लादेश के लिए निगर सुल्ताना ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। निगर के अलावा मुर्शिदा खातून ने 30 रनों का योगदान दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा बांग्लादेश की कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं सकी और एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन लौटती रही। भारत के लिए पूनम यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। शिखा पांडे और अरुंधति रेड्डी को 2-2 विकेट मिले। इनके अलावा राजेश्वरी गायकवाड़ को भी एक सफलता मिली। टूर्नामेंट में भारत का अगला मुकाबला 27 फरवरी को न्यूजीलैंड से होगा। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करें और अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने की सलाह दें ताकि सबसे पहले अपडेट जो है वो आप तक पहुँच सके और लगातार जो है खेल की खबरें आप तक पहुँचती रहें। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एनएन स्पोर्ट्स।